Hello students, welcome to the SMC classes. So we begin with the new topic, cross multiplication method. देखिए आज मैं तुम्हें करवाऊंगी cross multiplication method for solving two linear equations. मैंने तुम्हें last to last video में बताया था दो equations थी हमारे पास, दो linear equations थी, a1x plus b1y plus c1 equal to 0. And next second equation is a2x plus b2y plus c2 equal to 0. ये दो linear equations थी हमारे पास. हमने इन दोनों linear equations को solve किया था by the method of substitution. And in last video हमने इन दोनों equation को solve किया था by the method of elimination. अब हम third method है हमारे पास cross multiplication method. देखिए cross multiplication method में हमने क्या करना है, simply सबसे पहले एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी कह सकते हो या फिर डेरिवेशन थोड़ी सी बोल सकते हो. एक ना तुम याद कर लो 2 3 1 2, ये माइंड में थोड़ा सा ध्यान रख लो. 312 मेथड भी बोलते हैं इसको, एक बारी 2 3 1 2 याद रखना, क्लियर. उसके बाद यहाँ पे तुम लगाओ एक्स वाई एंड वन, क्लियर. नेक्स्ट देखो टू का मतलब क्या हुआ, जो सेकंड प्लेस पे, टू का मतलब क्या है, जो सेकंड प्लेस पे जो तुम्हारा वेरिएबल है मतलब कि वाई है, जो उसके कोफिशिएंट्स वो यहाँ लिख लो बी वन और बी टू. फर्स्ट इक्वेशन का क्या है, बी वन है और सेकंड इक्वेशन का बी टू. नेक्स्ट थर्ड का मतलब जो ये कॉन्स्टेंट के हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, सी वन सी टू, क्लियर. फिर उसके बाद वन, वन का मतलब ए वन ए टू, और टू का मतलब बी वन बी टू, क्लियर. तो इसको हमने नाम दे दिया वन टू और थ्री, इसके कोफिशिएंट्स को. समझ में आ गया, दोबारा रिपीट कर देती हूँ. हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं टू वेरिएबल्स में ही, हमने इसको मेथड को सॉल्व कैसे, कौन सा मेथड लेना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड. इस मैथड से हमने इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अगर तुमसे एग्जामिनर पूछता है कि सॉल्व दिस टू इक्वेशंस बाय द मैथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो तुमने इसी मैथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्लियर. और बहुत से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इसी मैथड से सॉल्व ईजिली हो जाते हैं, ठीक है ना. तो हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर 2 3 1 2 लिख लो. 2 3 1 2 लिखने के बाद यहाँ इन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y और इन दोनों के बीच में 1 लिख लिया, क्लियर. उसके बाद 2 का मतलब हो गया कॉफिशेंट ऑफ जो तुम्हारे y के कॉफिशेंट्स हैं, 3 का मतलब कॉन्स्टेंट टर्म्स, 1 का मतलब a1 के जो x के कॉफिशेंट्स हैं, और 2 का मतलब फिर अगेन से क्या हो गया, y के कॉफिशेंट्स, क्लियर. अब देखो कैसे करना है, यहाँ पर लिखो एक्स वाई वन अगेन. अब तुमने क्या करना है, बी वन को सी टू से मल्टीप्लाई, इक्वालिटी साइन बीच में, बी वन को सी टू से मल्टीप्लाई माइनस सी वन बी टू, ठीक है. उसके बाद सी वन ए टू माइनस ए वन सी टू, ठीक है. फिर ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू, तो ये तुम इस तरीके से लिख दोगे. समझ में आ गया. अब जो ये नंबर है, ये कोई भी इंटीजर या फिर कोई फ्रैक्शन कुछ भी इस तरीके का नंबर बनेगा, ये भी कोई रैशनल नंबर बनेगा या, ठीक है ना, ये भी. तो हमने क्या करना है, जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, इसको इसके साथ कंपेयर करना है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे, देखो एक्स ऑफ बी वन सी टू माइनस सी टू बी टू इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2, क्लियर. समझ में आ गया ना. तो अब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे हमारे पास x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, क्लियर. इसी तरीके से हम इन दोनों को भी इक्वेट कर लेंगे. इन दोनों को इक्वेट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल ऑफ y की वैल्यू, और यही तो सॉल्यूशन होता है,
क्लियर हो गया। तो यही तो हमारा सॉल्यूशन बनता है, क्लियर। अब नेक्स्ट अब एक क्वेश्चन से तुम्हें बताती हूँ कि क्वेश्चन से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 3.5 का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जाम, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0, दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं हमें। और हमसे क्या पूछा गया है कि इन दोनों के सॉल्यूशंस क्या हैं, अगर इन दोनों का सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इफ़ देर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन है देन फाइंड इट्स सॉल्यूशंस बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब अगर तुम्हारा यूनिक सॉल्यूशन है तभी तुमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, अदरवाइज नहीं करने। तो देखिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन है, तो मैंने तुम्हें एक मेथड बताया था ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू एंड सी वन अपॉन सी टू फाइंड आउट कर लो, ये बताया था। तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के बाद देखिए क्या आएगा, ए वन क्या है 1/3 माइनस 3/9 एंड माइनस 3/-2। तो अभी हमारे पास ये कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ये दोनों इक्वल हो गए, सॉरी माइनस 3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 हो गया अगर इसको कैंसिल करते हैं, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2 बन गया, ठीक है ना। ऐसे बताया था ना मैंने तुम्हें कि ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू लिख दो। अभी इक्वालिटी और नॉट इक्वालिटी नहीं लिखनी, अभी हमें चेक करना है कि कौन सा इक्वल है और कौन सा नॉट इक्वल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद देखो अब ये 1/3 बन गया, तो ये मेरे ये तो दोनों इक्वल हो गए और ये नॉट इक्वल हो गया, तो ये कौन सा केस बन गया, ये तो पैरेलल लाइंस का केस बन गया, बन गया ना पैरेलल लाइंस का केस बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। सो हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस, क्लियर। तो अब ये वाले फर्स्ट पार्ट में तो हमने नो सॉल्यूशन निकाल दिया, बट सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब हमने फाइंड आउट करना दोबारा से 2/3 1/2, सबसे पहले इसको कैसे चेंज करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्लियर। और इसको कैसे लिखेंगे, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, तो हम किस तरीके से लिख लेंगे, 2/3 1/2 और माइनस 5/8, हमने इसके सॉल्यूशंस मतलब ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू लिख लिए। अब ये नॉट इक्वल है तो इट मीन्स ये कौन सा केस बन गया, यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन है तो इट मीन्स क्या हो गया, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमें इसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। देखो मैंने अभी तुम्हें कैसे बताया था, यहाँ पे लिख लो एक्स वाई और वन, टू मेथड हो गया, ठीक है ना, 2 3 1 2 हो गया। टू के नीचे क्या लिखेंगे हम, कोफिशियंट ऑफ वाई 1 और 2 लिख लिया। 3 के नीचे लिखना है हमें कोफिशियंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स लिखने हैं, -5 एंड -8 और 1 के नीचे लिखना है 2 3 और 2 के नीचे अगेन 1/2, क्लियर। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, ठीक है ना, इसकी क्वालिटी नहीं डालेंगे क्योंकि इक्वल तो है नहीं है। उसके बाद देखिए अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे तो x ले लिया हमने, x ले लेंगे तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, -8 आ गया, और माइनस करेंगे, माइनस किसके साथ करेंगे, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करके, -5 मल्टीप्लाई 2 -10 हो गया। इसी तरीके से y में -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -15 देन -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -16 इक्वल टू 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 -1/-3, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन -8 प्लस 10 2, y अपॉन -5
माइनस 15 प्लस 16 वन आ गया, 1/1 आ गया, क्लियर। अभी मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कैसे हमने कंपेयर करना, एक बार x बाय 2 को 1/1 के साथ इक्वल करेंगे क्योंकि सारे के सारे आपस में ही इक्वल है, ठीक है ना। उसके बाद x बाय 2 इज इक्वल टू 1/1 आ गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। देन y बाय 1 इज इक्वल टू 1/1, फिर इसको इसके साथ इक्वल लिखेंगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर। अब मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देती हूँ, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 था। सबसे पहले हमें ये बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब कि सॉल्यूशन होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन, उसी के बाद हम फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशंस। तो हमने इसको रीअरेंज करके लिख लिया, तो यहाँ पे 2/3 a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, ये नॉट इक्वल आ गए तो आ गया यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद हमने मेथड अप्लाई करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2312 लिख लो पहले कन्फ्यूजन के लिए, उन दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y और इन दोनों के बीच में 1। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 का मतलब क्या हुआ, कॉफिशेंट्स ऑफ y, 1 और 2 लिख लिए, फिर कॉफिशेंट ऑफ मतलब कॉन्स्टेंट टर्म्स, फिर कॉफिशेंट ऑफ x एंड देन कॉफिशेंट ऑफ y, ठीक है ना। और उसके बाद ये इक्वल नहीं लिखना बीच में, ठीक है ना, ये इक्वल नहीं लिखना बीच में क्योंकि इक्वल तो है ही नहीं, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -5/8 है ना, तो इसको इक्वल नहीं लिखना बीच में। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इसको हमने नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स अपॉन में मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, ठीक है, माइनस उसके बाद मल्टीप्लाई -5 × 2, क्लियर। वाई के में भी सेम, -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 को 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x बाई 2, y बाई 1 और इक्वल टू 1, इन दोनों को इक्वेट किया तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर इन दोनों को इक्वेट किया तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हमारे सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गए इजीली, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.5 कर रहे थे ना, थर्ड पार्ट क्वेश्चन का देखिए इसमें क्या है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 6x माइनस 10y इक्वल टू 40। देखो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, इक्वेशन को रीअरेंज करना, कैसे लिखोगे, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस 40 इक्वल टू 0, ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि आदर एक यूनिक सॉल्यूशन और नॉट, क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है, इफ़ इट इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन देन फाइंड इट्स सॉल्यूशन। सो उसके लिए हमें क्या करना होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करने हैं। तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, 3 अपॉन 6 माइनस 5 अपॉन 10 माइनस 10 सॉरी माइनस 20 अपॉन माइनस 40। तो इनको कैंसिल आउट करके क्या आएगा, 1/2, इसको कैंसिल आउट करके क्या आएगा, 1/2 एंड इसको कैंसिल आउट करके भी 1/2 आ गया। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब हमारे केसेस इक्वल होते हैं तब हमारे पास क्या आता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यही होता है ना, बताया था ना लास्ट वीडियो में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्लियर। अब इसका यूनिक सॉल्यूशन तो है ही नहीं, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम फाइंड आउट भी करते, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट, एक्स माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड द नेक्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब इसमें भी हमने सेम क्या फाइंड आउट करोगे, पहले हम फाइंड करेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो हमारे पास a1 अपॉन a2 क्या, अब तो हमें पता लग गया ना, ये 1/3 है और b1 अपॉन b2 क्या है, -3/-3, क्लियर। नेक्स्ट -7 अपॉन में -15, तो ये क्या आ गए, नॉट इक्वल। ये वाला केस कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वल आए नॉट इक्वल आए, हमें ये दो चीज़ें देखनी है, ये नॉट इक्वल आ गई तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर है ना, बताया था ना यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब लाइंस आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर, मीन्स कंसिस्टेंट,
क्लियर है ना। तो उसके बाद देखो, अब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब हमें क्या क्वेश्चन कैसे करना है, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड में मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले क्या लिखना है, 2 3 1 2 लिख लिया। क्लियर, 2 का मतलब ये इक्वेशन, इट मीन्स -3/-3। 3 का मतलब -7/-15। 1 का मतलब 1/3 एंड देन अगेन 2 -3/-3। अब हमें क्या करना होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, x/(y)=1/। वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे, -3 को -15 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा +45, फिर माइनस माइनस प्लस और एक माइनस का निशान, 7 3 20 21। वाई में -7/-3 -21, फिर -15 को से करेंगे +15 आ जाएगा, एक -15 और एक माइनस करते हैं, माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया। क्लियर, उसके बाद 1 को -3 से मल्टीप्लाई, -3, फिर 3 को -3 से, ये बन गया -9। समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखो बाकी क्या करेंगे, एक्स अपॉन क्या बनेगा, 45 - 21 क्या होएगा, 24। क्लियर, इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, y/-21/+15 -6 = 1/6 आ जाएगा, 9 - 3 6 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, इसको इसके साथ इक्वेट करना, तो x/24 = 1/6 क्या हो जाएगा, x = 24/6 = 4 आ गया। क्लियर, और फिर क्या करना है, इन दोनों को इक्वेट करना है, y-6 = 1/6, y = -6/6 = -1। तो सॉल्यूशन बन गए -1 and 4। क्लियर हो गया, दोबारा से बता देती हूँ, रिपीट कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या चेक करना है, इट इज़ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट। तो हमने वो कैसे किया, a1/(a2), b1/(b2), c1/(c2) हमने लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि ये नॉट इक्वल है, ऑब्वियसली अगर मैं इसको कैंसिल आउट भी करती हूँ तो भी 1 आ जाएगा, 1 is not equal to 1/3। तो आ गया हमारा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 2 3 1 2 मेथड लगा दिया। क्लियर, तो ये क्या बन गया, -3/3 बन गया, 2 3 1 2, मतलब 2 का मतलब क्या हुआ, ये 2, ये 1 और ये 3। क्लियर है, ये 1 2 3 है ना, तो ये 2 की जगह -3 3, मतलब ये वाला -3 है, ये वाला -3 दोनों लग गए। उसके बाद -7 -15। क्लियर, उसके बाद 1 3, ठीक है, उसके बाद दोबारा से 2 है तो -3 -3। तो इस मेथड को भी बोलते हैं 2 3 1 2, 2312 मेथड भी बोलते हैं इसको। क्लियर, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो ये होता है x के बीच का होता है, ये होता है y के बीच का, और ये होता है 1 के बीच का। तो इन दोनों को लिए x/-1 - 15, -3 - -15 45, -7 - 3 21। क्लियर, लाइक दैट -7 - 3 15, लाइक दैट हमने सारे सॉल्व कर लिए। क्लियर, उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद इन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू फाइंड होगी और y की वैल्यू फाइंड होगी। तो x = 4 and y = -1 के आगे सॉल्यूशन, मतलब कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इन्फाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए हमें साफ साफ क्या दिया हुआ है कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में मैंने तुम्हें बताया था क्या होता है, इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब a1/(a2), अगर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, उसमें a1/(a2) फाइंड आउट करोगे। a1 क्या होता है, a1/(a2), b1/(b2) एंड c1/(c2), ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7 = के इधर है और ये इक्वल टू के इधर हो, तब भी हमारे पास क्या हो जाता है, तब नेगेटिव साइन आ जाते हैं यहाँ पे
और वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो मतलब तुम्हें ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू करते हुए ये नहीं सोचना कि भी ये दोनों के दोनों साइन अंदर हों या इक्वालिटी के उस तरफ हों, तो वो सेम ही बनेंगे। यहाँ पे अगर हम इधर भी ले आते तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं, क्लियर। अब ए वन अपॉन ए टू लिख लिया, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू क्या दिया हुआ है, इक्वल दिए हुए हैं। क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमें गिवन है कि वो क्वेश्चन सॉल्यूशन है, इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है हमारे पास, क्या होता है इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में हमारे पास ये कंडीशन दी हुई होती है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, अब हमने ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और सी वन अपॉन सी टू की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर। उसके बाद हमने देखो क्या किया, अब हमने ये वैल्यू पुट करने के बाद इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। वो हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास दो दो इक्वेशंस बन जाए और हमारा ए और बी फाइंड आउट हो जाए, ठीक है। हमने इन दोनों को सॉल्व कर लिया पहले, ट्राइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए माइनस बी। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये आ गया ए इज इक्वल टू फाइव बी आ जाएगा, क्लियर है, ए इज इक्वल टू फाइव बी आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर लिया, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट करने के बाद क्या किया, थ्राइस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सेवन ऑफ थ्री ए प्लस बी माइनस टू आ गया, क्लियर। अब इन दोनों को भी क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, नाइन ए थ्री बी माइनस सिक्स इज इक्वल टू सेवन ए प्लस सेवन बी, रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को, नाइन ए माइनस सेवन ए टू ए थ्री बी माइनस सेवन बी माइनस फोर बी इक्वल टू सिक्स, उधर जाके टू कॉमन ले लिया, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू सिक्स। उसके बाद क्या आया, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू थ्री, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखें मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, दो इक्वेशन क्या बन गई, ए माइनस टू बी और ए इज इक्वल टू फाइव बी। अब मैंने क्या किया, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, सबसे पहला मेथड क्या किया था, सब्सटीट्यूशन मेथड, सब्सटीट्यूट कर दी, ए की वैल्यू फाइव बी में है तो ए की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू क्या था मेरा थ्री, तो ए की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने फाइव बी, मतलब सब्सटीट्यूट वन इन टू कर दिया, क्लियर हो गया ना। मतलब ये मेरे पास दो इक्वेशंस थी तो ए की वैल्यू मुझे फाइव भी पता थी, तो ए की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है ना। तो सब्सटीट्यूट वन इन टू, ए माइनस टू बी इज इक्वल टू थ्री, ए की वैल्यू पुट कर दी फाइव भी आ गया, फाइव बी माइनस टू बी, ए बी की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास वन आ गई, ठीक है ना, बी की वैल्यू वन आ गई और ए की वैल्यू क्या थी फाइव भी थी और जो बी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो फाइव इंटू वन क्या आ गया फाइव, तो ए की वैल्यू क्या आ गई फाइव और बी की वैल्यू वन, तो ये क्या आ गए हमारे सॉल्यूशन, ए और बी की वैल्यूज आ गई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड पार्ट देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे 3x में ये दो हमें इक्वेशंस गिवन है, ठीक है ना, और हमें क्या गिवन है कि इक्वेशंस के पास क्या है नो सॉल्यूशन है और फाइंड आउट क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्लियर। अब हमने क्या कर दिया, जब हमारे इक्वेशन नो सॉल्यूशन में हो तो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू होता है, सबको पता है। तो अब हमारे पास ये दोनों इक्वल थे, तो मतलब ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू, अगर वाई की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या होएगा वन सपोज करते हैं, तो वन क्या हो गया वन अपॉन के माइनस वन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो थ्री इंटू के माइनस वन एंड वन इंटू टू के माइनस वन, थ्री के माइनस थ्री इज इक्वल टू टू के माइनस वन आ गया, तो यहाँ से के यहाँ पे शिफ्ट हो गया और माइनस थ्री इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या आ गया के इज इक्वल टू माइनस वन प्लस थ्री विच इज इक्वल टू टू, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास टू आ जाएगी, समझ में आ गया, सिंपल इक्वेशन थी, तो यहाँ से के की वैल्यू आ गई हमारे पास टू, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द, मैं दिखाती हूँ तुम्हें थर्ड क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्सटीट्यूशन मैथड एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड। मतलब हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उन दोनों इक्वेशंस को हमें फाइंड आउट करना है, इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं, मतलब एट एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू नाइन एक इक्वेशन दी हुई है, सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर, ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं और हमें क्या बोला हुआ है इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो बाय द मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब सब्सटीट्यूशन मेथड मैंने लास्ट टाइम काफ़ी बार करवा रखा है, ये दोनों इक्वेशंस वैसे तुम दोनों मेथड से अपना कर सकते हो, वैसे मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो सबसे पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कहा था कि इसको इधर शिफ्ट कर लो, ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या हुआ एट एक्स प्लस फाइव वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो आ गया, क्लियर। अब टू थ्री वन टू लिखना होता है हमें, पता है ना, बताया था ना टू थ्री वन टू में टू क्या होता है ये फाइव बाई टू, थ्री क्या होगा माइनस नाइन माइनस फोर,
वन क्या होगा 8/3 एंड टू अगेन 5/2, तो ये दोनों सॉरी इक्वालिटी नहीं आएगी। उसके बाद एक्स वाई और वन लिखना होगा, ठीक है ना। तो एक्स अपॉन वाई अपॉन एंड वन अपॉन, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 4 -20 एंड 9 -2 +18, क्लियर। तो वाई अपॉन -9 × -3 3 27 -4 × 2 +32, ठीक है ना। उसके बाद 1 8 × 2 16 -15, ये आगे बीच में तुम्हारी इक्वालिटी, क्लियर। अब इनको सॉल्व कर लो, x अपॉन -2 इक्वल टू y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1। तो x के लिए क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट करो, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2। फिर क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे तो y इज इक्वल टू 5। तो तुम्हारे पास x की वैल्यू 2 आ गई, -2 आ गई, और y की वैल्यू 5 आ गई। x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5, क्लियर हो गया क्वेश्चन। सबसे पहले मैं तुम्हारे बता देती हूँ, ये 2 3 1 2 ऑप्शनल है, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें समझाने के लिए था। 2 3 1 2 मतलब ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, और ये फिर अगेन सेकेंड। तो 2 3 मतलब 5 upon 2 -9 upon -4 8 upon 3 5 upon 2। तो इसी तरीके से एक्स वाई वन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -9 × 18 माइनस था और ये वाला माइनस प्लस हो गया, -9 × 3 -27 फिर -, प्लस हो गया, 8 4 = 32 अगेन 8 2 = 16 -15, क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से फिर हमने इस दोनों को ले लिया, फिर इन दोनों को ले लिया, तो x और y की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट देखिए। अ पार्ट ऑफ मंथली होस्ट चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मैस। When a student A takes food for 20 days, she has to pay ₹1,000 as hostel charges, whereas student B, who takes food for 26 days, pays ₹1,180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost food per day. देखिए हमने कैसे क्या पूछा है क्वेश्चन, कि हॉस्टल के चार्जेस किसके अकॉर्डिंग है। कुछ तो हॉस्टल चार्जेस हैं फिक्स चार्जेस हैं, और कुछ चार्जेस कैसे हैं कि फूड पर डे के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, फिक्स चार्जेस पोज कर लिए ₹X है, और चार्जेस फूड के अकॉर्डिंग पर डे के हैं ₹Y, क्लियर। अब स्टूडेंट एक को टोटल कितना पे करता है, वो ₹1,000 पे कर रहा है। कैसे पे कर रहा है, एक तो 20 डेज के पे कर रहा है वो, ठीक है ना। 20 डेज के वो कितने पे कर रहा है, ₹1,000। देखो कैसे बनेगी क्वेश्चन, एक तो वो एक्स है, एक्स क्या है, फिक्स चार्जेस, एक्स तो हमारे फिक्स चार्जेस हो गए, क्लियर। उसके बाद 20 डेज के लिए वो कितने चार्ज पे कर रहा है, y। अब वही बात होगी, अब एक दिन का मान लो होटल का खर्चा है ₹100 है, तो 10 दिन का क्या होगा, 10 से 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो 1000 आएगा। मतलब क्या होता है, चार्जेस पर डे और हाउ मैनी डेज, कितने डेज हैं, उसको आपस में मल्टीप्लाई करते हो ना। तो ऐसे करोगे तो फिक्स चार्जेस तो रहेंगे जो उसके फिक्स चार्जेस हैं, प्लस 20 डेज के पर डे के अकॉर्डिंग कितना चार्ज लग रहा है फूड का। तो वाई क्या है, फूड का चार्ज है पर डे के अकॉर्डिंग, डेज कितने हैं 20, तो आपस में मल्टीप्लाई किया, चार्जेस बन गए फूड के टोटल, प्लस जो हॉस्टल चार्जेस ले रहा था फिक्स चार्ज था वो, तो टोटल उसने कितना पे किया, ₹1,000। और स्टूडेंट बी था, उसको भी फिक्स चार्जेस ₹1 तो देने ही पड़ेंगे, और 26 उसने दिन खाना खाया, तो वाई क्या था, चार्जेस पर डे थे 26 के थे, डेज थे, तो उनको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो हमारे वह बन गए फूड के चार्जेस बन गए, और प्लस जो फिक्स चार्ज थे करके उसने पे किया 1180, क्लियर। अब हमारे पास दो इक्वेशंस मिल गई। अब जो क्वेश्चन फोर्थ है ना, इसमें हमें फर्स्टली बोला हुआ है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एनी मेथड, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड का मतलब आइदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों मेथड में से किसी भी मेथड से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जनरली क्वेश्चन एग्जाम्स में भी इसी तरीके से आते हैं कि किसी भी मेथड से हमें बोल देते हैं सॉल्व करने के लिए, तो हमें वो उसी के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें दो इक्वेशन मिल गई, और देखो इन दोनों क्वेश्चन के कोफिशियंट जो है ना वो सेम है,
तो जो कोफिशियंट है ना x के वो सेम है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्टिंग क्या करोगे, सेकंड फ्रॉम वन, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया सेकंड को वन में से, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया, x प्लस 25 इज इक्वल टू 1000, और ये मैंने लिख दी सेकंड इक्वेशन एज इट इज। उसके बाद इन दोनों को माइनस किया, 20 माइनस 26 माइनस 6y, 1000 माइनस 1180 माइनस 180। अब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस 180 अपॉन माइनस 6 विच इज इक्वल टू 30 रुपीज़। तो इसका मतलब 30 रुपीज़ पर डे के चार्जेस थे फूड के। नेक्स्ट, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 20y, ये थी ना मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हमने यहाँ लिख ली, y की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे 30x प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 600 हो गया, 1000 माइनस 600 विच इज इक्वल टू 400। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो फिक्स चार्जेस थे वो थे 400 और हमारे पास चार्जेस जो पर डे के थे वो थे 30 रुपीज़। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, यस फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट सॉरी। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। मतलब क्या है, एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाती है अगर हम उसके अंदर न्यूमरेटर में एक माइनस 1 माइनस कर दें, और वही फ्रैक्शन 1/4 बन जाती है जब हम उसके डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट द न्यूमरेटर इज x, हमने सपोज कर लिया न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x बाय y बन गई फ्रैक्शन। क्लियर। उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है ना, मतलब क्या बोला उसने, इफ माई 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन क्या बन जाती है 1/3, तो हमने न्यूमरेटर में से 1 माइनस कर दिया और डिनोमिनेटर एज इट इज रख लिया। अब क्या करती, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 × x - 1 इज इक्वल टू y हो गया, 3x - 3 इज इक्वल टू y एंड 3x - y क्या बन गया, इक्वल टू 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/4, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है, 1/4 बन जाती है। फिर हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, मतलब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी तो क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू y प्लस 8 आ गया। क्लियर। उसके बाद हमने इसको रीअरेंज कर दिया, 4x माइनस y इज इक्वल टू 8। अब भी हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये वाली इक्वेशन बन गई फर्स्ट एंड सेकंड इज दिस, दो इक्वेशन बन गई। अब सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, अब हमने क्या किया, देखो हमने सब्ट्रैक्टिंग क्या की, जब हम ये एलिमिनेशन मेथड करते हैं तब हमें कोफिशिएंट सेम चाहिए होते हैं, कोफिशिएंट किसके सेम चाहिए होते हैं, एक्स के और वाई के, मतलब एक्स हो या फिर वाई के कोफिशिएंट सेम हो। अब हमारे पास इन दोनों में वाई के कोफिशिएंट सेम है, -1 एंड -1, तो हमने इसीलिए स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो सब्ट्रैक्टिंग कर दी फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 4x - y इज इक्वल टू 8, 3x - y इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट किया तो 4x - 3x क्या हो गया, एक्स, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल आउट हो गया, 8 - 3 इज इक्वल टू 5, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, मैंने बताया हुआ है कि एक तो हमारे पास वेरिएबल आ गया, दूसरा वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले ली और उसमें x की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर, ये 5 पुट कर दी और यहाँ पे आ गया, यहाँ से 15 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 15 - 3 विच इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ गई 12। फ्रैक्शन क्या थी मेरे पास, x बाय वाई थी, तो x की वैल्यू क्या है 5, y की वैल्यू क्या है 12, तो ये फ्रैक्शन हमारे पास आ गया आंसर। क्लियर, तो x बाय वाई इज इक्वल टू 5/12 हमारे पास क्या हो गया, इस फ्रैक्शन की वैल्यू। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4th का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन थर्ड पार्ट, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions are there in the test? It means क्या है, एक Yash है जिसने score 40 marks करता है, 40 marks कब score करता है, जब 3 marks उसको हर एक right question के लिए दिया जाए और losing 1 mark, मतलब कि और एक number काट लिया जाए हर wrong question के लिए। Clear? 3 मार्क्स हर राइट आंसर के लिए और 1 मार्क्स डिडक्ट कर लें रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तब उसको मिलते हैं 40 मार्क्स।
अगर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड, अगर उसको 4 नंबर राइट आंसर के लिए मिलते हैं और 2 मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, समझ गए ना, मतलब नेगेटिव मार्किंग है, अगर नेगेटिव मार्किंग अगर रखते हैं और 4 नंबर हर राइट आंसर के लिए देते हैं और 2 नंबर हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए काटते हैं, तब उसको 50 मार्क्स मिलते हैं. क्लियर? देन हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो क्वेश्चन कितने थे टोटल टेस्ट में, हमें ये निकालना है. क्लियर है क्वेश्चन? देखिए कैसे करना है. सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन कितने थे, एक्स थे, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन कितने हैं, एक्स हैं, सपोज कर लिया. और नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, वाई हमने सपोज कर लिया. लेट, ठीक है ना. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 नंबर मिलते हैं उसको हर राइट क्वेश्चन के लिए, तो टोटल नंबर जब हम उसको काउंट करेंगे मार्क्स, तो 3-3 नंबर देते चले जाएंगे. तो हमने क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ क्वेश्चन, 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ राइट क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो उसके क्वेश्चन आंसर्स राइट थे ना उनके, उनको 3 मार्क्स दे दिए पर क्वेश्चन के हिसाब से, और माइनस कर दिया कितना, 1 मार्क्स हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए. वाई क्या था, रॉन्ग क्वेश्चन था, तो 1 मार्क्स हमने डिडक्ट कर दिए, माइनस कर दिए हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए. समझ में आ गया ना. सपोज कर लिया कि 10 हमारे पास क्वेश्चन है टोटल, जिसमें से 7 क्वेश्चन राइट हैं और हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का है, तो 14 नंबर बन गए ना, 7 2 14, और 3 क्वेश्चन गलत थे तो 3 नंबर काट लेंगे ना उसके 14 में से, ठीक है ना, तो 14 में से 3 नंबर कम होंगे ना, ठीक है ना. तो इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, 3 को तो एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया उसमें नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, मतलब जो नेगेटिव मार्किंग हुई है उसकी, वो वाई बन गई, 1 into y, वाई मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू मार्क्स, वो टोटल मार्क्स कितने बन गए उसके, 40. क्लियर? 3 into x 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? फिर अगर 4 मार्क्स देते हैं उसको हर राइट आंसर के लिए, हर राइट आंसर के लिए अगर उसको 4 मार्क्स दिए जाते हैं और 2 नंबर हर रॉन्ग क्वेश्चन पे काट लिए जाते हैं, ठीक है ना, मान लो उसके 4 गलत क्वेश्चन है, तो 2 नंबर पर क्वेश्चन के हिसाब से 8 नंबर कट गए ना उसके, ठीक है ना, तो उसमें काट लिए तो उसके बन जाते हैं मार्क्स 50. क्लियर? अब ये मेरे पास दूसरी क्वेश्चन आ गई. अब इन दोनों क्वेश्चन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से करती हूँ तो मुझे एक कोफिशियंट सेम बनाना है. अब तुम ये देख ला करो कैसे मुझे इजीली, मैं थोड़ी मल्टीप्लिकेशन में, मतलब थोड़ी सी कैलकुलेशन पर किस तरीके से 2 इक्वेशन के कोफिशियंट सेम बन सकते हैं. अब देखो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ भी 2y हो जाएगा, यहाँ भी 2y हो जाएगा, तो कोफिशियंट ऑफ y सेम हो जाएगा और उन दोनों को माइनस करके हम y को एलिमिनेट कर देंगे. एलिमिनेट का मतलब y को ख़त्म कर देंगे, ठीक है. तो मैंने ऐसे किया, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2, मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन को मैंने कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है. तो क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3x माइनस y इज इक्वल टू 40 आ गया और ये एज इट इज़ रह गया. अब क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों को, सब्ट्रैक्ट करके ये क्या बनेगा, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80 बन गया, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो. और ये क्या बन गया, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50. क्लियर? अब इन दोनों को माइनस अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा, 6x माइनस 4x 2x माइनस 2y प्लस 2y कैंसल, 80 माइनस 50 30. तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 30/2, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 30/2 आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई 15, मतलब कि नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने थे उसके, 15, ठीक है ना. उसके बाद ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, हमने अगर हमारे पास एलिमिनेशन मेथड में एक हमारे पास वेरिएबल आ जाता है, दूसरा कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में पुट करने के बाद, मतलब चाहे तुम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे तुम सेकेंड इक्वेशन में पुट करो. तो 3x माइनस y इज इक्वल टू 40, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी, 40 आ गई, तो 3 × 5 = 45, माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो माइनस वाई, 45 उधर गया तो माइनस 5 आ गया, वाई आ गया 5, मतलब नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस कितने थे उसके, 5 थे, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कितने हुए, 5. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, ये राइट वाले और ये रॉन्ग वाले, टोटल कितने बन गए, 15 + 5, तो ये आ गया 20. तो मतलब कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे उस टेस्ट में, वो थे 20 क्वेश्चंस. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th का 4th पार्ट, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, मतलब 2 प्लेसेस हैं ए और बी जिनमें कितना गैप है, मतलब कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का. 1 का स्टार्ट्स ए फ्रॉम ए एंड अनदर स्टार्ट फ्रॉम बी, मतलब इन दोनों प्लेसेस से 2 गाड़ियाँ चलती हैं. क्लियर? इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स
दे मीट इन 5 आवर्स. अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में जाती हैं, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं, तो वो 5 घंटे बाद मिलती हैं. अगर तो इफ़ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, तो वो मिलती हैं 1 घंटे में. वट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, और हमने स्पीड निकालनी है दोनों कारों की. देखो क्वेश्चन समझने वाला है बहुत. हमने क्या सपोज कर लिया, ए और बी दो डिस्टेंस हैं, मतलब कि ए और बी दो प्लेसेस हैं, प्लेस ए और प्लेस बी, ठीक है, दो प्लेसेस हैं. अब देखिए एक कार यहाँ पे है और एक कार यहाँ पे है, क्लियर, समझना ध्यान से. हमने सपोज कर लिया कि जो ये वाली है ये टी टाइम में पहुँचती है, ठीक है, इसका टाइम टी है और इसका टाइम भी टी है, क्योंकि दोनों का टाइम सेम टी है, और स्पीड ए की हमने एक्स ले ली और ए की हमने वाई ले ली, मतलब इस गाड़ी की स्पीड हमने ले ली एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो यहाँ से गाड़ी चलती है, ठीक है ना, जो प्लेस ए से चलती है उसकी हमने स्पीड ले ली एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो यहाँ से गाड़ी चलती है उसकी हमने स्पीड ले ली वाई किलोमीटर आवर, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि दोनों कार्स डिफरेंट स्पीड्स की हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ तक ए और बी सेम डायरेक्शन में जाती हैं. अगर ए कार, जो ए के पास कार है, मतलब जो प्लेस ए पे कार है और जो प्लेस बी पे कार है, अगर वो सेम डायरेक्शन पे जाती है तो वो कितने घंटे में मिलती है, 5 आवर्स में मिलती है, यही बोला क्वेश्चन में. ये सारा मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, आंसर अभी स्टार्ट होगा, ठीक है. तो अब ए और बी क्या हो गया, ए यहाँ पे, ए पे क्या टाइम टी और एक्स क्या हो गया, स्पीड हो गई. यहाँ पे बी पे क्या टाइम टी और स्पीड क्या हो गई, वाई हो गई. और वो कहाँ पे जाके मिलते हैं, सपोज कर लो वो सी पॉइंट पे जाके मिलते हैं 5 घंटे बाद, ठीक है ना. तो ए कितना चली, 5 घंटे चली. बी कितना चली, 5 घंटे चली. मतलब दो गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ 5 5 आवर्स चली, मतलब टी दोनों का हो गया 5. समझ में आ गया ना, दोनों का टाइम, दोनों कितना टाइम चली हैं कार्स. ए भी सी तक पहुँचने के लिए 5 आवर्स चली, बी जो बी प्लेस पे गाड़ी थी वो भी सी पॉइंट तक पहुँचने पे 5 आवर्स चली, क्लियर. अब ये देखो ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी क्या होगा, ए बी होगा. इतना तो समझ में आता है ना कि इसमें से ये घटा दे तो ये बनेगा, तो ए सी माइनस बी सी क्या बन गया, ए बी. और ए बी कितना डिस्टेंस था, ये हमें गिवन है कि दोनों कार्स के बीच में डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर. तो ये क्या आ गया, डिस्टेंस. ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू ए बी, क्या आ गया हमारा, डिस्टेंस, ठीक है. और जो कितने था, 100 था. अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस का मतलब स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना. ये डिस्टेंस हो गया ना, दोनों तीनों चीज डिस्टेंस थी, ये तो हमें 100 गिवन है, ये तो मैंने लगा दिया. लेकिन एसी का डिस्टेंस भी नहीं पता मुझे और बीसी का भी नहीं पता, तो एसी को मैंने लिख दिया स्पीड इनटू टाइम, ये भी स्पीड इनटू टाइम, क्लियर है ना. अब एसी का मतलब क्या हुआ, गाड़ी ए की स्पीड, जो गाड़ी ए प्लेस पे थी उसकी स्पीड क्या थी, एक्स. तो एस की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एक्स पुट कर दिया. और उसका टाइम कितना था, टी टाइम. टाइम कितना था, टी टाइम, जो कि 5 घंटे था, जो मैंने यहाँ पे आने के बाद पुट कर दिया. समझ में आ गया. उसके बाद सुनो, अब जो बी सी थी, बी सी का था स्पीड इसकी कितनी थी, वाई, ठीक है ना. बी सी का मतलब जो गाड़ी बी प्लेस से चल रही है, ठीक है ना. बी सी तो वही ट्रैवल करेगी ना जो गाड़ी बी प्लेस पे थी, उसका, उसकी स्पीड क्या थी, वाई किलोमीटर पर आवर. और उसका टाइम क्या था, वो भी 5 घंटे में पहुँच रही थी, तो उसका टाइम भी कितना हो जाएगा, 5 आवर्स हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 5 आवर बोथ ऑफ के लिए. तो बी सी इज इक्वल टू टी वाई आ गया, स्पीड इंटू टाइम. स्पीड क्या है, वाई, और टाइम क्या है, टी. और टी क्या था, 5 घंटे में पहुँचती है, तो यहाँ पुट कर दिया. ए सी क्या आ गया, 5x, और बी सी क्या आ गया, 5y, क्लियर. अब ये दोनों की दोनों वैल्यूज कहाँ पुट कर दो, यहाँ पे ए सी 5x, बी सी 5y, विच इज इक्वल टू 100. आगे इक्वेशन, ये आगे इक्वेशन. अब यहाँ से 5 कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लिया, ठीक है ना. यहाँ से ऐसे 5 कॉमन लिया और फिर इस 5 को ले गए नीचे डिवीज़न में, क्लियर हो गया. तो डिवीज़न में लेके गए तो इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 20 आ गया. तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 आ गई मेरी एक इक्वेशन. समझ में आ गया, ये लीनियर इक्वेशन एक बन गई हमारी यहाँ पे, क्लियर. अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, कि अगर जो ए प्लेस से गाड़ी चल रही है और जो बी प्लेस से गाड़ी चल रही है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं,
ठीक है ना, वो इस साइड चल रही है और वो इस साइड चल रही है, तो वो एक सी पॉइंट पे कब मिलती हैं और दोनों के बीच में कितना गैप है 100 किलोमीटर का, ये तो पता है पहले से दिया हुआ कि इन दोनों के बीच में कितना प्लेस में कितना फ़र्क है 100 किलोमीटर का। अब ये सी पॉइंट पे पहुंचती है तो इसका मतलब डिस्टेंस ए सी प्लस सी बी कितना होगा 100, क्लियर है ना, ठीक है ना, ये बन गया 100। तो ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू क्या होगी टी एक्स, मतलब ए सी कितना है डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, स्पीड मतलब एक्स और टाइम कितना है उसको 1 घंटा लगता है, मतलब क्या है जब वो गाड़ी चलती है वो 1 घंटे में आपस में मिलती हैं, वो 1 घंटे में आपस में मिल रही हैं, तो वो सी पॉइंट पे कब पहुंचती है 1 घंटे में, तो ये टाइम टी वन हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से जब बी सी, ये हो गया बी सी, ये जब गाड़ी चलती है तो ये भी टाइम 1 घंटे में पहुंचती है सी पॉइंट पे, मतलब क्या है दोनों की दोनों गाड़ियां कब मिलती हैं 1 घंटे बाद मिलती हैं, तो इसका मतलब वो कितना चली 1 घंटा चली, तो टाइम क्या हो गया 1 आवर, और वाई क्या हो गया इसका स्पीड, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो गया हमारे पास डिस्टेंस जो आ गया वाई, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ए सी की वैल्यू पुट कर दो एक्स, ये क्या बनी थी एक्स, और बी सी की वैल्यू क्या बनी थी वाई, वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो ये क्या आ गया 100 आ गया। तो अब मेरे पास दो इक्वेशन मिल गई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100। अब दो लीनियर इक्वेशंस मिल गई, इसको कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता है ना अच्छे से कैसे सॉल्व किया जाता है लीनियर इक्वेशंस को। अब देखो मैं बताती हूँ, करके दिखा देती हूँ तुम्हें कैसे सॉल्व करना है इन दोनों को, बहुत ही ईजी सो कर लो, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम वन कर लो, ठीक है ना, या फिर वन में से सेकंड का डालो या वन सेकंड में से वन का डालो, वन में से सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 थी, ठीक है ना, सॉरी ये फोर्थ क्वेश्चन बनेगी ना हमारी, यहाँ पे बनेगी हमारी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है ना, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन ले, थर्ड तक तो हम पहुँच गए थे ना, अब हमने फोर्थ में से सेकेंड को माइनस करना है, ठीक है ना, वी आर डूइंग सब्ट्रैक्टिंग फोर्थ फ्रॉम सेकेंड, क्लियर, 100 और सेकेंड इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, माइनस कर दिया तो क्या बचा 2x, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्टिंग कर लो या फिर एडिंग कर लो, अगर सब्ट्रैक्टिंग करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, देखिए मैं दोबारा बता देती हूँ, अगर हम यहाँ पे एडिंग कर लेते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं, एडिंग अगर कर देते हैं तब हमारे पास क्या होगा y कैंसिल होंगे, अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग करती हूँ तो x कैंसिल होंगे, दोनों केसेस से कर सकते हैं, कोई ये भी गलत नहीं है, और जो मैंने पहले सब्ट्रैक्टिंग लिखा था तब मैं इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करते x कैंसिल कर देती, ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू 120 आ गया, ठीक है ना, प्लस कर लिया मैंने अब की बार एडिंग की, एडिंग कर ली है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 120 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 60, तो इसका मतलब जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 60, तो इट मीन्स एक्स जो हमारे पास गाड़ी ए थी वो किस किलोमीटर पर आवर से चल रही थी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक्स प्लस वाई कितना है, हमारी फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन क्या थी 100, इट मींस एक्स की वैल्यू पुट कर दो 60 प्लस वाई क्या हो जाएगा 100 एंड वाई इज इक्वल टू 40, तो वाई की वैल्यू क्या आ गई 40, इसका मतलब जो गाड़ी बी थी वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और जो गाड़ी ए थी जो प्लेस ए पे थी वो चल रही थी 60 किलोमीटर पर आर की स्पीड से, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, मैंने इसमें एडिंग कर दी, एडिंग करने से भी मेरे पास एक चीज़ एलिमिनेट हो रही है, सब्ट्रैक्टिंग करने पर भी एक चीज़ एलिमिनेट हो रही है, तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो उसको, एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग दोनों में एक चीज़ एलिमिनेट होगी, हमारा मकसद ये होता है कि एलिमिनेट करना, क्लियर है ना। लास्ट क्वेश्चन, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, देखिए ध्यान से पढ़ना, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल gets reduced by 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. देखो इसका मतलब क्या है, एक rectangle है, ठीक है, हमने suppose कर लिया एक rectangle है जिसकी length है x unit और ब्रेड मतलब वाई यूनिट हमने सपोज कर ली, ठीक है, यूनिट्स का मतलब क्या हुआ सेंटीमीटर मीटर जो भी है किलोमीटर कोई भी हो सकती है, ठीक है, यूनिट्स मतलब हमने एज इट इज़ कोई भी यूनिट हो सकती है। अब लेंथ अगर ये है, ब्रेड हमारे पास वाई है, तो एरिया क्या होगा, हमें पता है लेंथ इंटू ब्रेड होता है, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ क्या थी एक्स और ब्रेड क्या था वाई थी, तो एरिया हो गया मेरे पास एक्स इंटू वाई, क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ लेंथ इज इंक्रीज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर हम लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज कर देते हैं
तो लेंथ x की जगह क्या हो जाएगी, x माइनस फाइव, और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ को हम 3 यूनिट्स इंक्रीज कर देते हैं, तब हमारे पास एरिया क्या होगा, तब हमारे पास एरिया रिड्यूस हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब एरिया में से फिर हम जो एरिया है उसमें से हम 9 स्क्वायर यूनिट माइनस कर देंगे, समझ गए ना, मतलब अगर हमारे पास ये लेंथ को रिड्यूस कर देते हैं और ब्रेड्थ को 3 यूनिट डिक्रीज इंक्रीज कर देते हैं, जब तब हमारे पास एरिया 9 यूनिट डिक्रीज हो जाता है, तो एरिया एक्स वाई की जगह एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा, और एरिया क्या होता है, नई लेंथ एक्स माइनस फाइव थी और न्यू ब्रेड्थ क्या थी, वाई प्लस 3, और न्यू एरिया क्या बन गया, एक्स वाई माइनस 9, मतलब पहले वाले एरिया में से 9 स्क्वायर यूनिट्स हमने रिड्यूस कर दिया, समझ में आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, एक्स इंटू वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसल, अब ये क्या बचा, 3x माइनस 5y माइनस 15, माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 हो गया, क्लियर, माइनस 15 ये माइनस है, सॉरी माइनस 15 प्लस 9 क्या हो जाएगा, माइनस 6, और वो उधर जाके प्लस 6 हो गया। अब ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन एक बन गई। अब आगे क्या कहता है क्वेश्चन में, अगर हमारी लेंथ 3 यूनिट बढ़ जाती है और ब्रेड्थ 2 यूनिट बढ़ जाती है, ठीक है ना, लेंथ को भी बढ़ा दिया ब्रेड्थ को भी बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली एरिया भी तो बढ़ेगा, अगर ऐसे बढ़ गया तो ये भी चीज़ बढ़ गई और ये भी चीज़ बढ़ गई, तो एरिया भी तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है, देन एरिया इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाता है, 67 स्क्वायर यूनिट्स वो इंक्रीज हो जाता है, समझ में आया। तो अब ए टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब नया एरिया क्या बन गया, 67 मोर हो गया वो, तो ये बन गया हमारा न्यू एरिया, और वो क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, नई लेंथ और न्यू ब्रेड्थ, ठीक है ना, तो एरिया हो गया ये, और न्यू लेंथ एक्स इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, और एक्स वाई से एक्स वाई अगेन कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया, 2x प्लस 3y 67 उधर जाके क्या बन जाएगा, 6 को उधर ले जाओ क्या बन गया, 61, तो ये मेरे पास आ गई एक नेक्स्ट इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, और एक मेरे पास जो पहली इक्वेशन क्या बनी थी, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, यही बनी थी मेरे पास पहली इक्वेशन, क्लियर है ना। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, अब ये मेरे पास बन गई दो इक्वेशंस, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, दो इक्वेशंस बन गई। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं, सेम, या तो क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, कुछ भी कर लो, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, मैं इसको तुम्हें एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना होता है, हमें क्या बनाने होते हैं, कोफिशेंट सेम बनाने होते हैं, कोफिशेंट सेम कैसे बनेंगे, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी को 2 से, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 6 2 6x, और ये क्या बन गया 9y, सॉरी ये बन गया 3 इंटू 2 6x, और ये क्या बन गया 9y इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा 3183, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्या बनेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 10y इक्वल टू 12, बन गई ना इक्वेशंस, मैंने क्या किया है, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और इस वाली पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और ये क्या आ गया 19y इक्वल टू 1, 8 में से बन गया 7 और 1, क्लियर हो गया 171, 19y इज इक्वल टू 171 आ गया, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट आगे ये रब कर देती हूँ मैं, ये तक ही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो 19y इज इक्वल टू क्या आ गया 171, तो y क्या निकलेगा 171 अपॉन 19 विच इज इक्वल टू 9 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 9, क्लियर है ना। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ये हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करते थे, एक भी वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी वो दूसरे में पुट कर देते थे, तो अब मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा रब कर लेते हैं, ठीक है, और 3x माइनस 5 क्या है 9, वाई की वैल्यू 9 है ना, इक्वल टू 6, 3x माइनस 45 इज इक्वल टू 6, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 51, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 51 अपॉन 3,
विच इज इक्वल टू 17, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आ गई 17 और y की वैल्यू 9, इट मींस जो हमारे पास लेंथ थी वो क्या थी, x, और लेंथ क्या थी, x थी, और विच इज इक्वल टू 17 यूनिट्स, और y क्या था हमारे पास, ब्रेड्थ थी, और वो क्या आ गई हमारे पास, 9 यूनिट्स। क्वेश्चन इज ओवर कंप्लीट। सो टुडे हमने 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना, वी कंप्लीटेड इट। अब सबको समझ में आ गया, तो अगर सबको समझ में आता है अच्छे से मेरा समझाया हुआ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल बटन जरूर प्रेस करना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और हम कल नेक्स्ट वीडियो में 3.6 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।